हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम कुछ इस तरह का वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना कैन मास्टर ओपन करना है। कैन मास्टर ओपन करने के बाद प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके 16:9 पर क्लिक करना है और इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं एक फुटेज यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों ने डाउनलोड करके यूज़ करना है। इसके बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं एक कलर फुटेज यूज़ कर रहा हूँ, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ करना है। इसको इस तरह फिट टू स्क्रीन करना है। फिट टू स्क्रीन करने के बाद इस कलर फुटेज पर क्लिक करना है, नीचे आना है ब्लेंडिंग में और इसको रखना है मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई पर रखने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और जिसके पिक्चर को आप यूज़ करना चाहते हो उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्रॉपिंग पर क्लिक करना है, मास्क ऑन कर लेना है और शेप, ये वाला शेप सेलेक्ट करना है और फिर इस पिक्चर को इस तरह क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इस पिक्चर को यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो फ्रेम दिख रहा है इसमें अच्छे से एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए दोबारा क्रॉपिंग पर क्लिक करना है और इसको इस तरह क्रॉप करना है। ओके करना है। ओके करने के बाद इस पिक्चर पर क्लिक करना है और इसको इस तरह बैकग्राउंड जितना टाइमिंग देना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको इस तरह ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद स्टार्ट पोजीशन पर आना है, फिर इसके बाद इस पिक्चर पर क्लिक करना है। यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट पर फिर क्लिक करना है और यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है इसमें यहाँ पर इस तरह रखना है और फिर यहाँ नीचे आना है, क्रॉपिंग पर क्लिक करके शेप को चेंज करना है, ये वाला शेप सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है अच्छे से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेटस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद एक बार प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह अब भी बना सकते हो इसी प्रोसेस को यूज़ करके। तो अभी इसे सेव करने के लिए यहाँ शेयर के बटन पर क्लिक करना है और एक्सपर्ट पर क्लिक करना है, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कोई अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।